हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और मैं अभी आई हुई हूँ छत पे। सुबह का टाइम है, सुबह के 8 बज रहे हैं अभी। तो सामने खेत वगैरह दिख रहे होंगे आपको। तो पानी की टंकी भर गई थी, जो देखने आई थी कि पानी भरा कि नहीं भरा। जो है ये पानी भी गिर रहा है हमारे यहाँ पर। धूप बहुत तेज़ हो रही है, सुबह सुबह 8 बजे बहुत तेज़ धूप है। इधर गर्मी बहुत है। और अभी सुबह का काम चालू है हमारे। सुबह आई थी मैं, पानी भी देखने आई हूँ और सुबह छत का झाड़ू भी निकालना है मेरे को। जो छत झाड़ू लेके आई हुई हूँ ऊपर, एक बार छत की सफाई भी हो जाएगी तो सही रहेगा यहाँ पर। इसीलिए अभी छत का झाड़ू भी निकाल लेती हूँ। ऊपर से सफाई करनी थी बहुत टाइम से, यहाँ पे सफाई नहीं हुई तो बहुत गंदी हो रही है छत भी यहाँ पे। इसीलिए झाड़ू निकालने आई थी यहाँ पे। और टंकी को भी देख रही थी पानी भरा है नहीं भरा है सुबह सुबह, क्योंकि पता ही नहीं चलता है ऊपर पानी ऐसे ही गिरता रहता है। तो और आप लोगों ने चाय नाश्ता किया कि नहीं किया सुबह का? हमने नाश्ता नहीं किया, हमने दो बार चाय पी है। नाश्ता अभी बाद में, मैं नाश्ता वैसे सुबह बहुत कम करती हूँ। ओके, सिर्फ मैं दो बार चाय पीती हूँ। बहुत गर्मी लग रही है। छत का काम कर लिया मैंने और अभी सीढ़ियों का झाड़ू निकाल रही हूँ। क्या करें, काम तो करना पड़ेगा। और आज मुझे थोड़ा कहीं बाहर भी जाना है, क्योंकि अब आप लोगों को पता है कि हस्बैंड नहीं है, वो चले गए हैं, दुनिया नहीं नहीं है। और वास्तव में हस्बैंड के जाने के बाद ज़िंदगी बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है जीना, बहुत मुश्किल। हर दिन कुछ ना कुछ। अभी मैंने छत का काम किया, अभी मैं सीढ़ियों का झाड़ू निकाल रही हूँ। और चलिए, मुझे कहीं बाहर भी जाना है और हस्बैंड नहीं है तो सारी जिम्मेदारियाँ मेरे पे आ गई है। हर चीज़ को देख के करती रहती हूँ काम। एक इंसान के नहीं होने की वजह से आप लोगों को पता है कि कितने मुश्किल में आ जाते हैं अपन। और मैं तो हमेशा ही परेशानियों से ही मेरी ज़िंदगी निकली हुई है। कभी एक भी दिन ऐसा नहीं गया मेरी ज़िंदगी का जो खराब नहीं रहा हो। बहुत परेशान रही मेरी ज़िंदगी में, कभी सुख मेरी ज़िंदगी में लिखा ही नहीं भगवान ने, तो वो आ ही नहीं रहा ज़िंदगी में। हमेशा सोचती हूँ आज का दिन अच्छा निकलेगा, पर वो दिन कभी आया ही नहीं मेरी ज़िंदगी में। अच्छा वाला दिन क्या होता है मैंने कभी देखा ही नहीं, हमेशा बुरे दिन ही देखे मैंने। और बुरे ही टाइम चल रहा है अब तो, और ज़्यादा बुरा टाइम आ चुका है मेरी ज़िंदगी में। सोचती थी कि हाँ आज नया दिन आया है तो कुछ नई चीज़ होगी, पर नहीं। आज तो वैसे भी पता नहीं क्यों मेरे को मेरे हस्बैंड की बहुत याद आ रही है, पता नहीं। होते हैं तब बहुत बहुत सपोर्ट रहता था मेरे को, लेकिन उनके जाने के बाद शायद ज़िंदगी इतनी तकलीफ़ में आ जाएगी कभी सोचा ही नहीं था मैंने। और उनके जाने के बाद आज पहली बार ऐसा लग रहा है मेरे को कि मैं हाँ अकेली हूँ। और आज बहुत ज़्यादा याद आ रही है मुझे, बहुत ज़्यादा उनकी, पता नहीं। याद तो हमेशा ही आती है मेरे को, लेकिन आज बहुत ज़्यादा याद आ रही है उनकी। बोलना भी मेरे लिए मुश्किल हो रहा है, क्योंकि सोचती हूँ कि हाँ पहले कभी लड़ाई होती थी तो सोचते थे चलो ठीक है मान जाएंगे, दो दिन गुस्सा कर लेंगे, तीन दिन गुस्सा कर लेंगे, लेकिन अब तो वो हमेशा के लिए लड़ाई करके दुनिया से चले गए ऐसा लग रहा है। अब कभी नहीं आएंगे ये भी मुझे मालूम है।
कभी कभी दिन ऐसा होता है ना कि भाई अपन बोलने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन बोल नहीं पाते उनको, और जिनके साथ बीतती है वही इस चीज़ को समझ पाते हैं कि अपने साथ क्या हुआ। और एक जिंदगी इतनी बुरी हो जाएगी मेरे लिए कि मैं कभी नहीं सोचा था मैंने कि मेरी ज़िंदगी में इतना बड़ा कुछ हो जाएगा। हम लड़ाई भी करते थे तो एक दूसरे को मना भी लेते थे, लेकिन अब तो बोले मैं लड़ाई करूँ चाहे कुछ भी करूँ ना कुछ बना पाऊँगी ना वो मेरे को मना पाएंगे, कभी नहीं होगा ऐसा ज़िंदगी में। अब और आज इतना बुरा लग रहा है मुझे कि अब वो कभी इस दुनिया में नहीं आएंगे, और वो भी मुझे कहीं खड़े होके देख भी रहे होंगे रोते हुए, तो उनको बहुत बुरा लग रहा होगा कि मेरे जाने के बाद इनकी ज़िंदगी कैसे हो गई है। बहुत याद आती है उनकी, भगवान मुझे भी लेके चला जाए तो अच्छा है। बहुत मुश्किल हो गया उनके बिना जीना मेरा, हर दिन ऐसा लगता है कि नहीं मैं कोशिश करूँ उनको बोलने की कि नहीं याद नहीं करूँ नहीं करूँ, लेकिन ऐसा दिन कभी नहीं आता है कि मैं उनको याद नहीं करूँ। क्योंकि उन्होंने एक महीना तक बहुत तकलीफ देखी है बहुत ज़्यादा, इसीलिए वो चीज़ें मेरे दिमाग से निकलती नहीं, मैं भूल ही नहीं पा रही हूँ उन चीज़ों को। ऐसा दिन भगवान कभी किसी की ज़िंदगी में ना आए, कभी ना आए कि भाई किसी औरत की ज़िंदगी में ये दिन नहीं आएगी उसके पति के बिना उनको रहना पड़े। बोलना इतना मुश्किल है, इतना मुश्किल है कि मैं आप लोगों को बता भी नहीं सकती हूँ मेरा दर्द। हर दिन नया ऐसा लगता है कि आज नहीं याद करूँ उनको, ना करूँ मैं उनको याद, लेकिन फिर ऐसी छोटी छोटी बातें होती है हस्बैंड की जो याद दिलाई देती है उनकी कि हाँ उनकी कमी है हमारी ज़िंदगी में। कब मैं जाऊंगी इस दुनिया से, कब उनसे मिलूंगी, पता ही नहीं है कि कब वो दिन आएगा जब मैं भी इस दुनिया से चली जाऊंगी और उनसे मिलूंगी मैं। बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है उनको भूल पाना। दिन कभी नहीं आता है कि उनको याद नहीं करती हूँ मैं। काश वो लौट आए एक बार वापस हमारी जिंदगी में, और मुझे पता है वो दिन कभी नहीं आएगा हमारी जिंदगी में, वो आ जाएंगे। कभी गुस्सा भी होते थे तो मैं बोलती थी उनको मान जाओ ना, तो मेरी बात मान भी लेते थे, लेकिन उन्होंने भी कभी नहीं सोचा कि मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा, या मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि वो इस दुनिया से चले जाएंगे। क्योंकि यह भगवान ने हमारे साथ ऐसा टाइम पता नहीं कैसे निकलेंगे अब ये दिन और कैसे जी पाएंगे। हम लोग बोलते हैं ना समय के साथ भूल जाते हैं, पर शायद मैं तो कभी नहीं भूल पाऊंगी समय के साथ, चाहे कुछ भी हो जाओ मैं कभी उनको नहीं भूल पाऊंगी। और पर हर पल उनकी याद आती है मुझे, हर पल सब खुशियाँ खत्म हो गई मेरी जिंदगी की, सारी खुशियाँ लेके चले गए वो। भगवान थोड़ा टाइम और दे देता हम लोगों को साथ रहने के लिए,
बोला भी नहीं जा रहा मेरे से कि मैं कुछ कहूँ आप लोगों को कि मैं कितनी तकलीफ में हूँ, मैं कैसे बोलूँ उनको, क्या करूँ, इसका कोई रास्ता नहीं है भगवान। मेरी ज़िंदगी में उनको भूल पाना इतना मुश्किल हो जाएगा। बहुत तकलीफ में देख चले गए वो हमको, बहुत तकलीफ में। आज वो दिन आ जाए एक बार आके बोल दे कि हाँ मैं हूँ यहाँ पे, या भगवान मुझे हिम्मत दे कि मैं उनको भूल पाऊँ। कभी हो ही नहीं रहा है ये चीज़ कि मैं उनको याद नहीं करती हूँ। बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल, और एक औरत के लिए तो बहुत मुश्किल है कोई चीज़ भूल पाना।